नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यापार लर्निंग हब में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्च आते ही सभी बिजनेसमैन फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने की तैयारी में लग जाते हैं, तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपना बिजनेस व्यापार से मैनेज करते हैं तो कितनी आसानी से आप अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर सकते हैं। फिर चाहे आप होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिसेलर हो या किसी भी तरीके के सर्विस प्रोवाइडर हो, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्लोज बुक है क्या और क्यों करना चाहिए। तो क्लोज बुक वह अकाउंटिंग प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप पिछले साल के सभी अकाउंट बैलेंसेस, जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट्स, पेमेंट एंड रिसीप अकाउंट्स, इन सभी को क्लियर कर एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक नए साल की शुरुआत नए सिरे से करते हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि व्यापार में क्लोज बुक करने से पहले आप कुछ बातों का खास ख्याल रखें, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की परेशानी या अकाउंट बैलेंसेस में मिसमैच का सामना ना करना पड़े। जैसे कि आप क्लोज बुक करने से पहले अपने डेटा का एक बैकअप फाइल गूगल ड्राइव पर लेकर रख सकते हैं। इसके अलावा आप ओपन चेक्स, ओपन ऑर्डर्स, इनवॉइसेस, अनपेड या पार्शियल पेड इनवॉइसेस या अन्य ट्रांजैक्शंस को चेक कर लें और जानकारी के अनुसार उन्हें क्लोज कर लें, ताकि फ्यूचर में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आइए अब बिना देरी किए चलिए हम सीखते हैं कि व्यापार में क्लोज बुक किस प्रकार किया जाता है। इसके लिए आपको व्यापार एप्लीकेशन के लेफ्ट मेन्यू में यूटिलिटीज सेक्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको क्लोज फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे क्लिक करने पर आपको स्क्रीन पर दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, पहला रीस्टार्ट ट्रांजैक्शन नंबर और दूसरा बैकअप ऑल डेटा एंड स्टार्ट फ्रेश। आप इनमें से किसी एक ऑप्शन का इस्तेमाल कर क्लोज बुक कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि इन दोनों ही ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे और क्यों किया जाता है। रीस्टार्ट ट्रांजैक्शन नंबर्स, आप सभी जानते हैं कि क्लोज बुक का इस्तेमाल एक फ्रेश स्टार्ट के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां पर पूरी तरह से क्लोज बुक किए बिना ही सिर्फ और सिर्फ नई बिलिंग्स के साथ, यानी कि सिर्फ बिलिंग नंबर नए होने के साथ साथ ही एक फ्रेश स्टार्ट की जाती है, यानी कि इससे आपके सभी अकाउंट्स बिना क्लोज हुए कंटिन्यू करेंगे। सभी बिजनेस डिटेल्स पहले की तरह ही रहेंगी, लेकिन केवल इनवॉइस नंबर्स एक नए सिरे से शुरू किए जा सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको रीस्टार्ट ट्रांजैक्शन नंबर्स ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। तो इसके फायदे ये हैं कि आप सेम डेटा के साथ ही एक नए साल की शुरुआत कर सकते हैं। आप बिना समय गवाए कुछ सेकेंड्स में ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर सकते हैं और पिछले साल की जानकारी के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। इसके लिए आप चेंज प्रीफिक्सेस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको सभी ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग सेल इनवॉइसेस, एस्टिमेट या कोटेशंस, पेमेंट इन, डिलीवरी चलान, सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर और क्रेडिट नोट के लिए नए प्रीफिक्सेस यानी कि इनवॉइस नंबर्स की नई श्रृंखला बनाने का ऑप्शन मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर में आपके इनवॉइस नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर 1326 तक बने थे, तो इस बार आपको एक नए प्रीफिक्स के साथ इनवॉइस बनाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि इनवॉइस नंबर SR/21-22/01 से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर आपको प्रीफिक्स बॉक्स में SR/21-22/0 एंटर करना होगा। तो अब यहाँ आप जानना चाह रहे होंगे कि हमने लास्ट में 1 एंटर क्यों नहीं किया। तो हम आपको बता दें कि जब आप इनवॉइस जनरेट करते हैं तो इनवॉइस नंबर्स 1 से ऑटोमेटिकली स्टार्ट होते हैं, विच इज सिस्टम जनरेटेड। जब आप एप्लीकेशन में इनवॉइस बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आएगा, इसीलिए इनवॉइस नंबर से पहले जितना भी प्रीफिक्स आप सेट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर इनवॉइस प्रीफिक्स में एंटर करना होगा। इस तरह से आप सभी ट्रांजैक्शंस के प्रीफिक्स यहाँ पर सेट करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग ही प्रीफिक्सेस बनाए हैं, जैसे एस्टिमेट के लिए EST/21-22/0, डिलीवरी चलान, पेमेंट इन, सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर एंड क्रेडिट नोट्स।
आप ही सभी प्रीफिक्सेस सेट कर लेंगे और फिर डन बटन पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने पर आपके प्रीफिक्सेस सेट हो गए हैं। अब आप एक नए इनवॉइस नंबर के साथ में इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि चेंज प्रीफिक्स ऑप्शन से क्लोज बुक करने पर आपको सारा डेटा बिल्कुल पहले की तरह ही रहेगा, सिर्फ आपके इनवॉइसेस के लिए इनवॉइस नंबर नया जनरेट होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि पार्टीज में हमें सभी ट्रांजैक्शंस में सभी ट्रांजैक्शंस और आइटम में भी सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब एड सेल पे क्लिक कर आप देख पाएंगे कि आपका नया इनवॉइस नंबर SR/21-22/0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप आसानी से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत नए इनवॉइस नंबर के साथ कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बैकअप ऑल डेटा एंड स्टार्ट फ्रेश ऑप्शन के बारे में। इस ऑप्शन का इस्तेमाल प्रॉपर क्लोज बुक करने के लिए किया जाता है। प्रॉपर क्लोज बुक करने से आपके सभी अकाउंट बैलेंसेस, जो कि प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस हैं, वो नए फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। इसी के साथ आपके प्रीवियस ईयर के डेटा का एक बैकअप फाइल सेव हो जाता है, जिसे आप जरूरत पड़ने पर रीस्टोर कर इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीवियस ईयर की जानकारी लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं ये काम किस तरह से करता है। इसके लिए आपको सबसे पहले वह डेट सेलेक्ट करनी होगी जिस दिन आप अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना चाहते हैं। जनरली यहाँ पर 31st मार्च ऑफ करंट ईयर ही सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग डेट एंटर कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ऐसा करने पर आपके सारे अकाउंट बैलेंसेस उस डेट के अनुसार ही कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ 31st मार्च 2021 सेलेक्ट कर रहे हैं। अब आपको स्टार्ट फ्रेश बटन पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही व्यापार आपको एक विंडो दिखाएगा, इसलिए कि आप अपना प्रीवियस ईयर का डेटा अपने ही मोबाइल में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर सावधानी से सेव कर लें। तो आप देख पा रहे हैं कि बैकअप लोकेशन में आपको बैकअप का लोकेशन दिखाई जा रहा है। इसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि क्लोज बुक हो जाने पर करंट कंपनी में सिर्फ आपके अकाउंट बैलेंसेस होंगे। पुराने डेटा के लिए आपको इस बैकअप का ही इस्तेमाल करना होगा। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आप एक लोकेशन सेलेक्ट कर लें या गूगल ड्राइव पर इस बैकअप को सेव कर लें। बैकअप सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको एक मैसेज मिलेगा फॉर कन्फर्मेशन कि आपकी क्लोज बुक सक्सेसफुल हो गई है। और ये मैसेज आपको ये बताता है कि सक्सेसफुल हो जाने के बाद में एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगा। और ओके बटन पर क्लिक करते ही आपका व्यापार एप्लीकेशन फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। तो रीस्टार्ट होते ही आप देखेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर के सभी ट्रांजैक्शंस यहां से जा चुके हैं। तो एप्लीकेशन रीस्टार्ट होते ही आप देख पाएंगे कि यहां पर प्रीवियस ईयर का कोई भी डेटा मौजूद नहीं है और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो सभी आपके करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस बन चुके हैं। तो अब यहाँ ऐड सेल बटन पर क्लिक कर आप देख सकते हैं कि आपका इनवॉइस नंबर दोबारा से नंबर 1 से स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से बैकअप ऑल डेटा ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप नए साल की एक नई शुरुआत एक फ्रेश स्टार्ट के साथ में कर सकते हैं। तो अब आप जानना चाहते होंगे कि प्रीवियस ईयर का डेटा देखने के लिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए आप लेफ्ट मेन्यू में बैकअप एंड रीस्टोर ऑप्शन में रीस्टोर बैकअप पर क्लिक करेंगे। यहां आपको एंड में व्यापार नाम का एक फोल्डर दिखेगा। इस फोल्डर में क्लोज बुक फोल्डर में जाएं और जो आपने लास्ट बैकअप लिया था उस बैकअप को सेलेक्ट कर लें। ऐसा करने पर एक विंडो दिखेगी जो बताएगा कि आपका बैकअप सक्सेसफुली रिस्टोर हो गया है। एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा एंड वापस एप्लीकेशन को ओपन कर आप देख पाएंगे कि आपका प्रीवियस ईयर का सारा डेटा यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं जैसे कि सेल, आपको कितना पैसा देना है, कितना लेना है और सभी ट्रांजैक्शंस भी। अब अगर आप दोनों कंपनीज को स्विच करके काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लेफ्ट मेन्यू में चेंज कंपनी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां से आप दोनों ही कंपनीज का नाम चाहे तो चेंज कर सकते हैं और उन कंपनीज को स्विच करके अपने वर्क कर सकते हैं। अब आपके दोनों ही डेटा
व्यापार एप्लीकेशन में मौजूद हैं। आप जब चाहें दोनों डेटा को स्विच कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। इसके लिए लेफ्ट मेन्यू में चेंज कंपनी पर क्लिक करें। यहाँ आपको दोनों ही कंपनीज दिखाई देगी। किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आप मैनेज कंपनी में जाकर दोनों कंपनीज का नाम रीनेम कर सकते हैं ईयर्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि 21 या 22 या फिर लास्ट ईयर के लिए 2020 टू 2021। तो इस तरह से आप अपनी नई कंपनी को ओपन कर लेंगे और अब उसी में फ्रेश ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि व्यापार एप्लीकेशन के इस्तेमाल से आपको क्लोज बुक करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय लगता है और साथ ही साथ व्यापार के ये 2 यूनिक ऑप्शंस आपको आपके बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने का मौका देते हैं, साथ ही साथ आपके समय की भी बचत करते हैं। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको व्यापार से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो या आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें संपर्क करने की जानकारी स्क्रीन पर मौजूद है। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। व्यापार इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद। हैप्पी व्यापारी।